देख रहे हैं आजाद सिपाही। नक्सलियों के सफाई के लिए निर्णायक जंग की तैयारी। सारंडा, पारसनाथ और बूढ़ा पहाड़ पर एक साथ हमले की योजना। पूर्वी भारत के 5 राज्यों के पुलिस अधिकारी बैठे रांची में। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। 5 राज्य मिलकर नक्सलियों के आतंक का खात्मा करेंगे, इस पर झारखंड की राजधानी रांची में गहन विचार मंथन हुआ। इसमें झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। राज्य और केंद्र की सुरक्षा और जांच एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। अब खबर विस्तार से। नक्सलियों के सफाई के लिए राज्य और केंद्र सरकार अब निर्णायक जंग की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीमावर्ती राज्यों की लगातार बैठकें होती रही है। अब पूर्वी भारत में पूरी तरह से नक्सलियों के सफाई के लिए पुलिस प्रशासन ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसे लेकर शुक्रवार को पूर्वी भारत के 5 राज्यों के पुलिस अधिकारी रांची में एक संग बैठे। नक्सलियों के सफाई को लेकर पूरे दिन मंथन हुआ। झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार की पुलिस नक्सलियों को जड़ से खत्म करने में जुटी है। इसी को लेकर राजधानी रांची में ईस्टर्न जोन रीजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इसमें 5 राज्यों के आला अफसरों ने भाग लिया। नक्सलियों के गढ़ में चलेगा अभियान। झारखंड पुलिस भाकपा माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़, सारंडा और पारसनाथ में एक साथ बड़ा अभियान चलाने की रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति को सफल बनाने के लिए उसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस की सहायता की जरूरत है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने झारखंड में जनवरी से जून महीना तक चले नक्सल अभियान की समीक्षा के बाद माओवादियों के 3 प्रमुख गढ़ों में एक साथ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसमें राज्य के शीर्ष नक्सलियों को टारगेट किया जाएगा। ऐसे में यह बैठक झारखंड पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभियान में राज्यों की सीमाएं नहीं बनेंगी बाधा। केंद्रीय गृह सचिव ने नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह सचिवों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि माओवादियों के खात्मे के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त अभियान चलाने की जरूरत है। राज्य की सीमा इसमें बाधा ना बने, इसके लिए समन्वय स्थापित कर माओवादी के सेफ जोन को खत्म किया जाए। माओवादियों के फ्रंटल संगठनों पर भी चर्चा। हाल के दिनों में शहरी नक्सलियों और माओवादियों के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। 5 राज्यों की बैठक में यह अहम मुद्दा है। माओवादियों के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों पर नजर रखने और उस पर रोक लगाने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। ये निर्णय भी लिए गए बैठक में। कई निर्णय लिए गए, इनमें सभी सीमावर्ती राज्यों द्वारा आपसी समन्वय कर अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादियों के विरुद्ध संयुक्त एवं आक्रामक अभियान चलाया जाएगा। खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह के साथ बैंक एवं ज्वेलरी शॉप में डकैती में शामिल अपराधियों की जानकारी के साथ इन्हें गिरफ्तार करने में राज्य एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस बैठक में खुफिया अभियान की जानकारी शेयर करने तथा साइबर क्राइम के क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई पर विचार मंथन हुआ। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में नाका लगाकर शराब एवं मादक द्रव्यों की तस्करी पर रोक लगाने पर विचार किया गया। डीजीपी ने कहा, संयुक्त नक्सल अभियान चलाने की जरूरत। डीजीपी डीके पांडे ने कहा कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना जरूरी है। सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ आपसी सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए संयुक्त नक्सल अभियान चलाया जाए। नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अलावा अफीम की अवैध खेती, साइबर अपराध एवं संगठित अपराध पर रोक लगानी है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय होना चाहिए। साइबर क्राइम पर रोक के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध सिम की बिक्री पर रोक लगानी होगी। पूर्वी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की तरह ही उन्होंने पूर्वी क्षेत्रीय साइबर क्राइम समन्वय समिति की बैठक करने का सुझाव दिया। झारखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान की भी जानकारी दी। उन्होंने नक्सलियों पर असरदार प्रहार के लिए टेक्निकल चेंज का सुझाव भी दिया। उन्होंने सीमावर्ती राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों की नियमित बैठक का भी सुझाव दिया। साथ ही अलग बैठक दिसंबर के प्रथम सप्ताह में कोलकाता पुलिस द्वारा आयोजित करने का सुझाव दिया। बैठक में मध्य जोन कोलकाता के विशेष पुलिस महानिदेशक कुलदीप सिंह, विधि व्यवस्था बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक राज,
छत्तीसगढ़ के हिमांशु गुप्ता, पश्चिम बंगाल के राजीव मिश्रा, सीआरपीएफ के डीआईजी संजय आनंद लाटकर, बिहार के संजय कुमार, सीआरपीएफ के अनिल कुमार, इंडी के सुबोध कुमार ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। झारखंड के डीजीपी डीके पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईबी, ईडी एवं झारखंड पुलिस के वरीय पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा झारखंड के अजय कुमार सिंह, रेल डीआईजी प्रशांत सिंह, झारखंड के आरके मलिक, डीआईजी नवीन कुमार सिंह, आशीष बत्रा, अरुण कुमार सिंह, शंभु ठाकुर, डॉन के जोश, रंजीत कुमार सिंह, अमोल वेणुकांत होमकर, प्रभात कुमार, पंकज कंबोज, विपुल कुमार शुक्ला, राजकुमार लकड़ा, कुलदीप द्विवेदी, अखिलेश कुमार झा, साकेत कुमार सिंह, एसएस मिश्रा, पी मुरुगन, सुबोध कुमार, डॉक्टर शम्स तबरेज, मोहम्मद अर्शी, राजू थॉमस, कुलदीप सिंह समेत अन्य शामिल थे। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। झारखंड के डीजीपी डीके पांडे का कहना है कि अब नक्सलियों के दिन लद गए हैं, अब उन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। आज के खबर विशेष में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और पल पल की खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.azadsipahi.com जरूर विजिट करें। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।